नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी. हमें ट्राइंगल दी है ए बी सी राइट एंगल एट सी सी बी ए. ये हमें गिवन है. डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन सी ए. डी इज द पॉइंट ऑन सी ए एंड ई इज द पॉइंट ऑन सी बी. ज्वाइन करेंगे डीई को. सो राइट डाउन एबीसी इज द राइट ट्राइंगल. एबीसी इज ट्राइंगल राइट एंगल डेट सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन CA and CB respectively. अब हमें प्रूफ क्या करना है. टू प्रूफ ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर. पहले हम ट्राइंगल लेते हैं. हमें क्या साइड चाहिए. ए ई ए सी ई. सो राइट डाउन इन ट्राइंगल ए सी ई एंगल सी 90 डिग्री है. पाइथागोरस अप्लाई होगी. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन. अब हमें चाहिए बी डी. तो हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी. इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी 90 है. अगेन बाय पाइथागोरस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. यहां तक क्लियर है. जो हमें टू प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए साइड ए ई और बी डी दोनों का स्क्वायर. तो हमने ए डी के लिए साइड ट्राइंगल ली ए सी ई. ए सी ई सी 90 डिग्री है. पाइथागोरस अप्लाई किया. ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी और सी ई दोनों का स्क्वायर. फिर हमें साइड चाहिए बी डी. तो ट्राइंगल ली बी सी डी. 90 डिग्री एंगल है. पाइथागोरस अप्लाई की. अब एड है जो हमें प्रूफ करना है. एड वन एंड टू. क्या आया हमारे पास. ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. बट हमें राइट हैंड साइड में ए बी और डी ई चाहिए. ए बी. अगर मैं राइट ट्राइंगल ए सी बी लेती हूं तो ए बी जो है हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ए सी और बी सी का स्क्वायर. तो ए सी और बी सी वाली टर्म को हम एक साथ रख लेते हैं. ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वन ब्रैकेट में. बाकी दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया. डी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. नाउ ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू. जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे हमारे पास वही आएगा. लेकिन हमें रीजन देना होगा. ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. डी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट डी ई सी ई. सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. सी ई सी डी. डी ई स्क्वायर. रीजन देंगे ब्रैकेट में. इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ई. सी डी ई डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. डी सी प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर. एक बार दोबारा से देखिए हमने क्या किया. जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए थी साइड ए ई और बी डी. ए ई साइड चाहिए तो हमने ट्राइंगल ले ली ए सी ई. सी 90 डिग्री है. पाइथागोरस अप्लाई किया. ए ई स्क्वायर ए सी और सी ई का स्क्वायर का सम. फिर हमें चाहिए बी डी. बी डी पाइथागोरस तभी अप्लाई होगा. एक एंगल 90 होगा तो हमने ट्राइंगल ली बी सी डी. बी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर.
करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, राइट हैंड साइड में अब हमें चाहिए ए बी और डी, तो हमने ए सी और बी सी को एक साथ रखा, सी ई और सी डी वाली टर्म को एक साथ रखा। अब अगर हम ट्रायंगल लें ए बी सी, उसमें क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू लिख दी हमने ए बी। नाउ सी ई और सी डी का स्क्वायर डी ई, ट्रायंगल सी ई डी में, यही हमें प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, प्रूफ दैट, जो हमें प्रूफ करना है। सो राइट डाउन प्रूफ, राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी सी और ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी सी राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इन ट्राइंगल ए डी बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आया हमारे पास। नाउ हम यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे ए डी की, ताकि हम इसे इक्वेट कर सकें, तो यहां से हमारे पास ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, और यहां पे ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब हम देखते हैं जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें चाहिए ए बी स्क्वायर एक साइड पे, तो ए बी स्क्वायर को इसी तरफ रखते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब हमें एक चीज गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, वैल्यू पुट करते हैं बी डी की जगह पे, तो बी डी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 सी डी स्क्वायर, पुट करते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर की वैल्यू आई 9 सी डी स्क्वायर, यही आया हमारे पास। बी डी की जगह पे 9 सी डी स्क्वायर, बी डी वाली साइड दूसरी तरफ जाएगी एड हो जाएगा, सो 9 माइनस 1 इज 8 सी डी स्क्वायर, ये आया। नाउ 8 को हम लिख सकते हैं 16 अपॉन में 2 सी डी स्क्वायर, लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास बी सी किसके इक्वल है, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी, और बी डी हमें पता है 3 टाइम्स सी डी, तो 4 टाइम्स सी डी। नाउ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 सी डी स्क्वायर, तो 16 सी डी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन 2, टेक द एलसीएम 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, क्या किया, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ली राइट एंगल ट्रायंगल adc एंड adb, वहां से ad स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट किया, लेफ्ट इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, जो प्रूफ करना है मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए ए बी की टर्म अकेले, तो ए बी वाली टर्म को एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले गए। नाउ बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, तो बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 इंटू सी डी स्क्वायर, सो 9 माइनस 1 8, क्योंकि दोनों टर्म सी डी की है,
नाउ हमें सीडी नहीं चाहिए, जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें चाहिए बीसी। तो हमने बीसी की वैल्यू फाइंड की, बीडी प्लस सीडी। बीडी की वैल्यू है 3 सीडी, सो 4 सीडी। स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने 8 को लिख दिया 16/2। 16 सीडी स्क्वेयर की वैल्यू पुट की बीसी स्क्वेयर अपॉन 2। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2ab² = 2ac² + bc² यही हमें प्रूफ करना था। नोट इट डाउन।